प्यारे तेरे नैन बड़े ककराए लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी ओ बलिहार राघो जी तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे 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 तेरे पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार पीछे देख रहे हैं इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं न्योछार राघो जी बलिहार राघो जी श्री परशुराम जी ने मेरे रघुनाथ जी को देखा तो आंखें देखती रह गई रूप अपार मार मदर मोचन रूप कैसा है अपार है मार यानी कामदेव कामदेव का नाम है मार मार मद मोचन यानी कामदेव को अभिमान को चूर्ण करने वाला ऐसा सौंदर्य मेरे रघुनाथ जी का अपार सौंदर्य परशुराम जी देखे तो आंखें जाकर जम गई जनक जी महाराज आकर मिले तब ध्यान हटा भगवान से परशुराम जी ने पूछा जनक तुम्हारी इस राज्यसभा में इतने राजा क्यों एकत्रित भए हैं उस समय का वर्तमान समय का नियम था क्षत्रिय सम्मेलन कराने से पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी बिना परशुराम जी के अनुमति के क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था इतने दीप दीप के राजा आए हैं परशुराम जी को पता नहीं पूछा के ही कारण महीप सब आए बताइए जनक जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और जैसे पता चला कि शिव के पिनाक को स्वयंवर में रखा गया था और टूटे हुए खंड पर जैसे दृष्टि गई ये परिस्थिति उत्पन्न भई मानो किसी ने भभक्ति अग्नि में घी झोंक दिया हो क्रोध से तिलमिला उठे परशुराम जी बोले हे जड़ जनक निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा है
नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा, भी पूरी राजसत्ता समाप्त तो हो जाएगी। निकाल करके बाहर करो, किसने तोड़ा है शिवसेना को। जनक जी महाराज कांपने लगे, सुनैना जी घबरा गए, सीता मैया कहने लगी, ब्रह्मा जी ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, परशुराम जी चले आए, सब लोग डर गए। वहां जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोलने लगे, तुमको क्या लगता है हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं था, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, ये हमारी दूरदर्शिता थी, हम पहले ही भांप लिए, इसलिए गए नाटक करके चले आए। तो बगल वाला कहता, हम क्या सही में तोड़ने गए थे क्या, हम भी नाटक ही कर रहे थे, कौन आफत में पड़े, सब डरे हुए हैं। और याद रखिएगा, जीव के भय को समाप्त करना भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये भगवान ही करते हैं। रघुनाथ जी का वचन है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। राम जी कहते हैं, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और हाथ उठा के कह दे, प्रभु जमाने को अपना बना कर तो देखा, प्रभु जमाने को अपना बना करके देख लिया, अब आपको अपना बनाने के लिए आया हूं, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं। राम जी कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, एक बार जो शरण में आके कह दे मैं आपकी शरण में हूं, पूरे संसार में उसको निर्भय बना देता हूं, ये मेरा वचन है। जब सारे लोग भय से ग्रसित हो गए तो सबके भय को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं आगे बढ़ गए। परशुराम जी से जाकर भगवान ने इस बात को कही, क्या कही, कैसे कही, दर्शन करिए। भाषा से अभिमान का दर्शन होता है, किससे होता है, भाषा से। अपात्र को जब प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। अच्छा आप बताओ, 5 लीटर जगह है, 6 लीटर आ जाएगा तो क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। उसी प्रकार क्षमता से अधिक जब प्राप्त हो जाए तो बाहर निकलने लगता है मुख से, और यही अभिमान को प्रदर्शित करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सीधा सूत्र बताते हैं, बाबू जिस बात का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं, जिसकी पात्रता होती है उसका प्रचार नहीं होता। और यदि खोल के आपको सुनाऊं तो यदि कोई करोड़पति आदमी जिसकी कुल संपत्ति 1 करोड़ की हो कम से कम, वो यदि आदमी 5,000-10,000 का साइकिल लेगा तो फेसबुक पर पोस्ट नहीं डालेगा कि हम साइकिल खरीदे हैं, वो के चाबी पकड़त नहीं डालेगा, क्यों, वो जानता है कि मैं अपनी क्षमता के अंदर लिया हूं,